आज के एक बयान निकला है, वो किसी शायद अपूर्वा का ही निकला है बयान, कि उसने किसे घर की जो आपने भी सुना होगा और देखा होगा कि घर की रिश्तेदार की किसी महिला के ऊपर उसने जो अपना एक ये बयान में दिया है, मैं सिर्फ उसका खंडन करना चाहती हूँ। उसका बयान जो है आधारहीन है। क्यों? क्योंकि वो परिवार मेरी सेवा करता है और उस परिवार की जो रिश्तेदार हैं उनकी पत्नी मेरी सेवा करते हैं और हमारे वो परिवार के लोग हैं वो मेरी सेवा करते हैं, तो उसको नहीं भाता है कि कोई भी यहाँ इस घर में कोई भी इम्पोर्टेंट रहे। अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपनी गंदगियों को, अपने गंदे इरादों को, कि इनकी सारी प्रॉपर्टी रोहित की और सिद्धार्थ जी की अंत में हमको मिलनी चाहिए, हमारा परिवार यहाँ के रहेगा, दूसरा परिवार क्यों रहता है यहाँ आकर के? क्यों? क्योंकि सारा परिवार लॉ के उसमें है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत पास है घर, बहुत सूट करता है। यहाँ तक रोहित को तंग किया कि जब उसने कहा कि तुम्हारी माँ ने मेरी माँ पर इतने आधारहीन और गंदे आरोप लगाए, मेरी सीधी सरल माँ के ऊपर अर्थात उज्ज्वला के ऊपर इतने गंदे आरोप लगाए हैं, मैं तुम्हारी माँ से नहीं मिलना चाहता हूँ, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। तो इसने कहा कि मैं उनको अपना एक छोटा सा इसने कमरा ले रखा है चौथी या तीसरी मंजिल पर, यहाँ पहले से ले रखा था, शादी से पहले से ले रखा था, जहाँ से आया करती थी मिलने के लिए। तो उस कमरे में ही कहने लगी मैं अपनी माँ को इतना ऊपर ठहरा नहीं सकती हूँ, तो तुम मुझे मकान बना के दो। रोहित ने कहा भाई मैं कहाँ से मकान बना के दूँ, मेरे तो सीमित। पता नहीं इनके मन में क्या रहा कि श्री नारायण दत्त तिवारी जी की अकूत संपत्ति लाखों करोड़ों अरबों शायद इनके पास है, तो वही इनके दिमाग में नाचता रहता है कि बस कैसे कितना निकाल लें। जी हाँ, उनका बिल्कुल इरादा पैसे के प्रति बहुत ज्यादा रहा है। बहुत आपको लगता है उसी के चलते कि ये पूरी साजिश हो सकती है? मुझे ये मैं ये इमेजिन नहीं कर सकती। मैं तो ये मैं वहां तक मेरी इमेजिनेशन नहीं जाती। मैं ये मानती हूँ कि इन लोगों की कई बार बात हुई कि म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाए, म्यूचुअल रोहित ने कई बार कहा कि म्यूचुअल डाइवोर्स की भी कई बार बात हुई, फिर बातचीत होते होते ये हुआ कि जून में जाकर के लेंगे।